व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। अनुराग एक नई वीडियो को लेकर के, ये M1 वाला जो हम लोग देखे थे इस चीज़ को कल, जिसमें मैं सोच रहा था अभी तक मैं सोया हुआ हूँ, इसका मैं पूरा डिटेल लेके आ गया हूँ। देखिए मेनली है क्या कि दो ऑप्शन है हम लोग के पास, एक में परमानेंट हो सकता है, दूसरा में परमानेंट नहीं मिलेगा। तो आप बोले परमानेंट वाला ही उठा यार, तो परमानेंट वाला ऑप्शन में हम लोग का एक्चुअली है क्या कि वाह कि हम लोग को जो है परमानेंट के लिए उसका ड्राइंग बनाना होगा, और एक एक ड्राइंग बनाने के लिए हम लोगों को लगेगा, ये चीज़ हमको ठीक नहीं लगा था, पता है क्यों? क्योंकि देखिए इग्नोर हमको ड्राइंग बनाना होगा, मतलब उसको करने के लिए, ऐसे ही मेरा ड्राइंग उतना ठीक नहीं है, और अब हमको एक ड्राइंग बनाने के लिए लगेगा 500 गोल्ड, यानी कि अगर हम 500 गोल्ड होगा अगर मेरे पास, तभी अगर हम मेरे पास 500 गो एक एक को जो है ना ड्रॉ एक को एक बार ड्रॉ करने के लिए हम लोग को 500 गोल्ड का जरूरत पड़ेगा। समझ रहे हो क्या बात है? लकी हम लोगों को जो है 500 गोल्ड का जरूरत पड़ेगा एक को ड्राइंग बनाने के लिए, और 5 ड्राइंग बनाने के लिए 1000 गोल्ड। तो ये हमको ड्राइंग बनाता तो आता नहीं है, सुबह से मैं सीख रहा हूँ कैसे ड्राइंग बनाए कैसे ड्राइंग बनाए। तो जैसे ये इवेंट आएगा, सबसे पहले मैं M1 का स्किन निकालूंगा, और दूसरा ये हम लोग का चांसेस ये आते हैं कि हम लोग को कुछ टाइम खेलने पे या कुछ डेली मिशन करने पे हम लोगों को ये 14-15 दिन के लिए मिलेगा, लेकिन 14-15 दिन के लिए मिलेगा, परमानेंट नहीं मिलेगा। बच्चे बच्चे को मेरे लक के बारे में पता है, क्या कहूँ, मेरे पास इतना लेजेंडरी स्किन है, ये वाला UMP आर्ट ऑफ वार का है, पर्सनल लेजेंडरी स्किन है, और मैं उस स्किन को जाके पकड़ूंगा। चलो कोई बात नहीं, 240 14 नंबर पे मेरा फ्रेंड लिस्ट में, मेरा मेन दोस्त 316 नंबर पे ही क्यों रहता है पता नहीं, तो डायमंड 4 पे यार। मेरा फ्रेंड लिस्ट में कुछ कुछ बंदा रैंक पुश ही नहीं करता, लोग को रैंक पुश करना पसंद नहीं है। क्या नाम है, आई लव यू नाम खतरनाक खतरनाक है, तो काम भी खतरनाक ही हुआ ना। देखो रैंक पुश बहुत खतरनाक करता है, गोल्ड सिल्वर बाप रे बाप, लोग तो ब्रॉन्ज में भी है यार, इतना प्रो बंदा सब तो नहीं देखे हैं कहीं, बाप रे इतना प्रो बंदा। दिव्यांशु टू को क्या हो गया, ये तो महा अति प्रचंड प्रो बंदा था, इसको क्या हो गया यार, क्यों ना छोड़ दिया, आईडी स्कैम हो गया होगा इसका। देखो कितना प्रो आईडी, इसलिए बोलता हूँ ज्यादा प्रो आईडी मत बनाओ, नहीं तो आईडी स्कैम हो जाएगा सिंपल। बेचारा 5 हेरोइक एम्बलम था, 5 इस पे 4 4 हेरोइक एम्बलम था, जिसकी जैसी किस्मत। तो ये वीडियो में आपने क्या क्या देखा, कि मैंने आपको बताया कि वो गोल्ड और ड्रॉ इवेंट सब कैसे काम करेगा, है कि नहीं? तो आप जल्दी से जल्दी वेट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना वेट कीजिए, लेकिन हाँ इसका वेट कीजिए कि हम लोग 14-15 दिन के लिए भी क्यों ना मिले, लेकिन ड्रॉ वाला ना मिले, क्योंकि फिर तुम्हारा भाई नहीं निकालने सकेगा, क्योंकि योर ब्रदर इज़ अ बैड पेंटर ना। लेकिन फिर भी यार, और हाँ इस मैन मेरे पास डेजर्ट ईगल का नेक्स्ट ट्राई एक है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा डेजर्ट ईगल से कैसे करना है, मैं आपको छोटा सा क्लिप दूंगा ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि सेटिंग्स जो मैंने आपको पिछला वाला न्यू हेडशॉट ट्रिक वाला में दिखाया था, नहीं आपने उस वीडियो को देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसे देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको एक सेटिंग्स बताया था, और उसे बाकी गन्स को लेके आपको बैठना है, और बैठ के जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हाई ड्रैग देना है, उससे आप लोगों का हेडशॉट पड़ेगा। लेकिन डेजर्ट ईगल का वो मामला नहीं है, आप डेजर्ट ईगल से खड़े रहोगे, अगर आप बंदे से ऊँचे रहोगे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि नॉर्मली मैंने कहा था बंदा से आपको नीचे होना है, लेकिन अगर आप बंदे से ऊँचे हो तब तो आपसे ज़्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति धरती पर कोई नहीं है यार। अच्छा ठीक है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ कैसे होगा डेजर्ट ईगल से 1 टैप, ज़्यादा मतलब कि बंदों को जो है ना, देखो ये डेजर्ट ईगल से 1 टैप हार्ड चीज़ नहीं है, ठीक है, एक 1 टैप लग गया हम लोग का, लेकिन M500 से 1 टैप बहुत हार्ड चीज़ है, आपको पता ही होगा। कोई बोल रहा होगा कि भाई हैक लगा के आ गया,
देख लो भाई, तुम्हारा भाई हेड दे रहा है। हेड क्या, ये हैकर हेड पड़ रहा है यार। यार आप लोग ट्राई करके देखो, लिटरली मैं बता रहा हूँ, खोल दोगे बंदों का हालत खराब हो जाएगा, उन लोगों का हालत पतला हो जाएगा एकदम। वैसे भी हमको मरना ही है, 14 HP का कौन जिंदा रहता है। चलो भाई, तुम्हारे भाई ने कितना खराब हेड दिया इतने बंदों को। चलो ये वन टैप था, ये हेडशॉट नहीं था भाई साहब। मेरे सामने कूदने की हिम्मत बिल्कुल भी, भूल के नहीं करने का। भाई यार क्या ही हेड पड़ रहा है यार, मज़ा आ गया। अभी एक बार ट्राई करना ना इस हेड शॉट ट्रिक को, ट्राई करना। पीछे से आके मार दे का हिम्मत हो गया है लोग का, पीछे से ही अब आके मार सकता है ऐसे, अब नहीं ये लोग मार नहीं सकेगा। वैसे आपने देख लिया कैसा होगा ये, देखिए मैं आपको इसमें ही सर्टे दिखा देता हूँ, अगर मैं भूल गया डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दो। स्टिंग देख लो, खड़े होके खतरनाक ड्रैग देना है, बंदा इसी धरती से गायब हो जाएगा। बाप रे CAT। मैं आपको एक और किल करके दिखा देता हूँ, अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो मैच पे देखता देखिएगा। अरे अरे यार, ये लोग के कारण होता है। चलो कोई बात नहीं, मिल ही जाएगा कोई मुस्टंडा जो चाहता होगा कि आज हमको ही वन टैप पड़े। यही हमको वन टैप ठूस दिया, कोई बात नहीं, यही मेरे ट्रिक यूज़ करेगा, कर रहा होगा। ये यूनिवर्सल ट्रिक है, इसके ऊपर कोई सोचा विचार ही नहीं। आपने देख लिया क्या होगा बंदों का हाल। भाई मैंने आपने मैंने मैंने आपको दिखा दिया साफ कि आपका सामने वाला जो है वो कराहेगा। क्या हो गया ये मेरे साथ, कोई बात नहीं। देखो यार, मैंने आपको साफ दिखा दिया कि ऐसे एक वन टैप मारना है। अरे अरे अरे, पीछे से पीछा पीछा, कोई बात नहीं यार। मैं आपने अगर देख लिया है, जरूर देख लिया होगा अब तक तो, और अभी अगर अब तक नहीं देखा तो अब तो जरूर देख लिया होगा आपने कैसे हेडशॉट देना है। भाई ये मेरा ट्रिक को निकाल लिया होगा कहीं से। वैसे देखो ये यूनिवर्सल ट्रिक है, ये मैंने किसी यूट्यूबर से लिया था, क्योंकि मेरे पास खुद एक अच्छा हेडशॉट का ट्रिक नहीं था, तो हम लोगों ने काफ़ी लंबी वीडियो ऐसे ही बना दिया। और मैंने आपको एक हेडशॉट का ट्रिक और कुछ अपडेट्स भी दे दिए हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।